तो भाई खटखट तो तस्वीर आप देखने लग रहे हो, लाइव तस्वीर आप ना दिखाने लग रहे हैं। रोड जाम करके है, सांकेतिक रोड जाम है किसानों की तरफ से। दूसरी तरफ प्रशासन भी जो है भाई, पहले गाड़ी थी बस भर करना जो पहुंच गया, इस साइड आप दिखा दो बार, इस साइड भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। और शायद रोक ले, एक बार बातचीत चल रही शायद। दो नारे और खट्टर सरकार, सैनी सरकार, बीजेपी सरकार। तो भाई पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया, यानी किसानों ने जो सांकेतिक रोड जाम कराया, दूसरी तरफ प्रशासन आप देखोगे यानी अलर्ट है। एक बस में भर के जो पुलिस प्रशासन काफी मात्रा में पहुंचा है। फिलहाल भाई आप खटखट की तस्वीर आप देखने लग रहे हो, आप नाम दिखा दें। इस तरफ पुलिस प्रशासन काफ़ी संख्या में लगातार पहुंचने लग रहा है। दूसरी तरफ अगर आप बात करांगे तो आरएएफ की जो है टुकड़ियां हैं, यानी रैपिड एक्शन फोर्स, जो आपने देखा हुआ जिस टाइम पर बॉर्डर पर जो है चाहे आंसू गैस के गोले चल दागण की बात हो, तो आरएएफ का जो काम हुआ आपने पता भी है, यानी रैपिड एक्शन फोर्स, वो भी काफ़ी भारी संख्या में जो है उरे पहुंची है। यानी खटखट टोल खटखट गांव में जैसे ही मतलब रोड जाम की घोषणा करी, यानी रोड जाम कराया गया, रोड जाम करने के मात्र 10 मिनट के बाद ही जो है आरएएफ की रैपिड एक्शन जो फोर्स है वो टुकड़ी आ जी है। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी भारी संख्या में पहुंचे है। आप लगातार लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो खटखट गाँव में, यानी जींद जिले का खटखट गाँव, खटखट टोल आपने पहले सुना था, लेकिन जींद जिले के खटखट गांव में आज की जो है पंचायत बुलाई गई थी, और उस पंचायत में जो है 3 जो नौजवान किसान है वो गिरफ्तार, यानी उनकी रिहाई न लेकर मांग थी, जो 35 दिन से जींद जेल के अंदर बंद है। अनीश खटखट की बात करें चाहे नवदीप की बात करें, उसके बाद गुरकिरत सिंह, यानी 3 जो युवा किसान है जींद जेल में पिछले, अनीश को 35वां दिन है, बाकी जो किसान हैं उनको 31 दिन हो गए बंद है। तो उनकी रिहाई की मांग न लेकर पहले भी 16 तारीख तक का अल्टीमेटम प्रशासन द्वारा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसान महापंचायत हुई और किसान महापंचायत में एक फैसला लिया गया भाई आज का जो है सांकेतिक रोड जाम कराया जाओगा। और रोड जाम करने के तुरंत बाद जो है भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन और आरएएफ की जो टीम है, काफ़ी गाड़ियाँ पीछे आप देखोगे उस साइड दिखा दे भाई एक बार, चाहे वाटर कैनन की बात हो, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़ने गाड़ी बात, यानी प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम के साथ जो है अपनी गाड़ी हैं बसें हैं सारी की सारी लेके जो है प्रशासन पहुंचा। उस तरफ जो है किसानों के साथ प्रशासन की बातचीत भी चल रही है, शायद देखो भाई बातचीत में के कुछ फैसला होगा उसके बाद जो है मतलब आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल रोड जाम है, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग है, युवा, वो सारे के सारे फिलहाल रोड पर बैठे हैं, और किसान जो नेता है आगू किसान नेता उनके साथ प्रशासन की बातचीत भी चल रही साइड आज एक बार। और जींद जो नरवाना है नेशनल हाईवे उसकी तस्वीर फिलहाल आप देखने लग रहे हो, और जींद साइड से जो प्रशासन आया है कम से कम भी भाई मैं आपने बताऊंगा 1, 2, 3, 4 बस हैं प्रशासन की जो साइड खड़ी हैं। उसके अलावा वज्र वाहन जिसने यानी आंसू गैस के जो गोले छोड़े जावे हैं वो मशीन भी खटखट टोल से 1 किलोमीटर आगे जो है भाई नरवाना उचैना का जो रास्ता है उस जगह पर जो है वो पहुंचे हैं। यानी प्रशासन अपनी तरफ से पूरा अलर्ट और पुख्ता इंतजाम करके जो आया है। हालांकि ये एक सांकेतिक रोड जाम किसानों द्वारा कराया गया है, किसी प्रकार का मतलब ये नहीं है भाई दिल्ली जाने की बात हो या किसी चीज़ का घेराव की बात हो, किसी चीज़ का कोई घेराव नहीं है, केवल एक सांकेतिक तौर पर रोड जाम की बात करी गई है। और उसी कड़ी में जो आप प्रशासन देखो भाई, पुलिस प्रशासन आरएएफ की जो टीम है वो लगातार भारी संख्या में उरे पहुंचे हैं। 4-5 बसें हैं जो पुलिस प्रशासन की उस साइड खड़ी है, या गाड़ी भी दिखा दे भाई एक बार जूम करके, वज्र वाहन यानी जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े जाम है वो गाड़ी भी उरे है जो खटखट पहुँची है। और फिलहाल जो
किसानों के नेता भी उनके साथ भी प्रशासन की बातचीत चल रही है। कुछ जो तस्वीरें हैं आपने एक बार ऊपर तभी दिखाओगे, पूरा जो सीन है उरा का एक बार ऊपर तो आपने दिखाने की कोशिश करेंगे। खटकड़ गांव में आज का जो रोड जाम एक बार ऊपर तो तस्वीर दिखाने की आप तक कोशिश करेंगे। यानी जिस तरीके की फिलहाल स्थिति है, प्रशासन अलर्ट है, दोनों साइड प्रशासन भारी संख्या में मौजूद है, रोड जाम है, फिलहाल भी किसानों द्वारा रोड जाम कराया गया, पीछे तक साधन खड़े हैं और किसान नेताओं के साथ जो है भाई बातचीत चल रही है प्रशासन की, के कुछ आगे की कार्रवाई होगी, फिलहाल बात चल रही है, लेकिन रोड जाम है। और इस साइड तो फिर दिखा दे एक बार ऊपर तो भाई प्रशासन की 4 बसें खड़ी हैं, जो RAF की टीम आई है, पुलिस प्रशासन आया है, वज्र वाहन यानी आंसू गैस के गोले, जिस गाड़ी तो छोटी जाम है वो भी आप देखने लग रहे हो, वो भी मौजूद है। हालांकि किसी भी प्रकार का मतलब हा हू भाई कोई रोड़ा रद्दा किसी प्रकार का लड़ाई झगड़े की कोई आशंका नहीं है, ना किसी प्रकार का आह्वान कराया गया किसानों की तरफ तब भाई कि मतलब किसी चीज़ का घेराव कराया जाऊगा या किसी चीज़ के मतलब भाई आगे जाओगे कहीं नहीं जाओगे, केवल एक सांकेतिक तौर पर रोड जाम की घोषणा करी गई है। और फिलहाल रोड जाम है, प्रॉपर तरीके से रोड जाम है, किसान बैठे हैं, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और पुलिस प्रशासन की और भी टीमें जो है वो आने लग रही है लगातार। एक बस और आई है उस साइड तो जो हम देखने लग रहे हैं, लेडीज पुलिस। और फिलहाल प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो बातचीत करने लग रहे हैं भाई किसान नेताओं के साथ में, क्या कुछ आगे की प्रक्रिया रहोगी वो भी आप तक जरूर पहुँचाऊँगे। और लगातार दोनों साइड से, चाहे जींद की बात करा चाहे आप नरवाणा की बात करा, दोनों साइड से लगातार प्रशासन भारी संख्या में आने लग रहा है। लेडीज पुलिस की एक और बस आई है और एक गाड़ी और शायद नजर जाने लग रही है भाई, उसका जो वज्र वाहन है यानी जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाओ, शायद एक गाड़ी आने लग रही है वो, उसका शायद ये गाड़ी भी वही हो, पीछे काफ़ी पीछे खड़ी है। लेकिन ये कह सकते हैं भाई भारी संख्या में पुलिस प्रशासन लगातार पहुँचने लग रहा है खटखड़ गांव में। और नज़दीक जाके आगे फिर आपके तस्वीर दिखाऊंगा आज भाई एक बार, यानी काफ़ी संख्या में अचानक मात्र 20-25 मिनट के अंदर अंदर भारी संख्या में पुलिस बल जो है तैनात हो गया है और पुलिस प्रशासन पहुंच गया है। एक बार नीचे आज भाई आगे आगे दिखाया एक बार, फिलहाल जिस जगह पर रोड जाम कराया गया है आप तस्वीर देखने लग रहे हो, एक साइड पुलिस प्रशासन भारी संख्या में जो मौजूद है, लेडीज प्रशासन भी पूरा जो है बुला लिया गया है। आप देखोगे एक बार उस साइड से दिखाया जाए, यानी भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। उस साइड RAF की जो टीम है वो 4 बसें बुलाई गई हैं, रैपिड एक्शन जो फोर्स है, चाहे वज्र वाहन की आप बात कराएं यानी जिस आंसू गैस के गोले छड़े जाम, वो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। और बीच में जो है किसान अपना रोड जाम करके जो है धरना पर बैठे हैं और लगातार पुलिस की जो भारी संख्या में यानी फिलहाल लेडीज पुलिस भी इसलिए बुलाई गई क्योंकि धरना पर काफ़ी महिलाएँ बैठी हैं, इस करके लेडीज पुलिस भी बुलाई गई। तो फिलहाल की स्थिति यही है भाई, बातचीत जारी है लेकिन प्रशासन लगातार भारी संख्या में आने लग रहा है। जय जवान जय किसान।